प्रदेश के मुरादाबाद में आज वाहन चेकिंग के नाम पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता और मारपीट का विरोध करते हुए भाजपाइयों ने मुरादाबाद एसएसपी अमित पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सैकड़ों की संख्या में भाजपाई मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए। पिछले एक घंटे से सिविल लाइन क्षेत्र के सबसे व्यस्तम चौराहे पीली कोटी चौराहे पर भाजपाइयों ने कब्जा कर रखा है और एसएसपी अमित पाठक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धरने पर बैठे पीड़ित भाजपाई नेताओं ने अपने साथ हुई अभद्रता और विस्तार से बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हमारा एक मंडल अध्यक्ष है, उसके साथ चेकिंग वैकिंग करेंगे लोग। हमारे पास फोन आया, बोला ये पीली कोटी पर जाओ। हम लोग सब पीली कोटी, मेरे पास तो हेलमेट भी था भाई साहब। मैंने आगे छोड़ी, यहाँ खड़ी चौराहे पे खड़ी करी। बोले भाई तू कहाँ से आया नेता? अरे मैं नहीं, मैं विधायक जी के साथ आ रहा हूँ। गाली देके माँ की गाली बकीन ने मुझे सिर पे डंडा, वो तो हेलमेट था, सिर पे डंडा मारा, मैं गिर गया। मेरी सोने की चैन थी, कर दूंगा मैं सबको बताया, मैं पूरे मंडल को बताया सोने की चैन पहन को। महामंत्री से बदतमीजी करी उनने मेरे साथ, उन्होंने एकदम, मैंने भी क्या बदतमीजी कर रहा। बोले एसएसपी ने आदेश दे रखा, एसएसपी ने आदेश दे रखा। मैंने कहा हमारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो भैया? बोले थाने चल। मैंने चलो भाई, आप लोग आ गए, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे खून मारा, गिरा गिरा उन्होंने। अच्छा पहले जिनकी चेकिंग हुई थी आपको रोका था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमाकांत दिवाकर है, मैं रामगढ़ बिहार मंडल का महामंत्री हूँ। और जब मैं अपने किसी काम से पीली कोटी आ रहा था तो मेरी चालान के लिए गाड़ी रोकी गई। बोले आप पर हेलमेट नहीं है, आपका चालान कटेगा। मैंने ठीक है चालान काट दीजिए, मैंने 500 रुपये निकाल के दिए तुरंत, और मैंने अपना लाइसेंस भी दिया। मैंने ये है, हमने लाइसेंस रख लिया, आपका चालान कट दीजिए। मैंने भाई साहब कुछ तो आप याद कीजिए, तो ये जरा तेरी ये जो गाड़ी है ना ऐसा ही, उसका नाम है ट्रैफिक ऐसा ही बता दीजिए, ऐसा ही वो ट्रैफिक सुधीर को सुन सुनू शर्मा। और एक कांस्टेबल, एक वो होमगार्ड था, उसने माँ बहन की गाली बकी। बोले इसकी गाड़ी सीज करो। बोले इसे कल का वाक्य नहीं पता, इसके मंडल अध्यक्ष के साथ हुआ, मेरा चालान कीजिए।